दोस्तों, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ क्लिक करके हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही इस नोटिफिकेशन बेल पर भी ज़रूर क्लिक करें, जिससे कि आप हमारे आने वाले सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन अपने मोबाइल पर पा सकें। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे एक नए एपिसोड में। आज के वीडियो में हम जानेंगे धरती पर एक ऐसी रहस्यमयी जगह के बारे में जहां समय तक रुक जाता है और यहां कोई यंत्र काम भी नहीं करता। आखिर यह कैसे संभव है कि दुनिया का सिद्धांत यहां कैसे टूट जाता है? मैक्सिको अमेरिका के दक्षिण में बसा एक देश अपने ऐतिहासिक पर्यटन स्थलों और स्वादिष्ट खाने के अलावा रहस्यमय स्थानों के लिए भी दुनिया भर में जाना जाता है। यहाँ पर द साइलेंट जोन नाम की एक ऐसी मृत्यु के समान जगह है जहाँ कोई सैलानी तक नहीं जाता। अपने नाम के अनुसार इस जगह पर कोई भी तकनीकी उपकरण काम नहीं करता और कम्युनिकेशन भी यहाँ संभव नहीं है और घड़ियां भी यहाँ पर आकर रुक जाती हैं। वैज्ञानिकों ने 50 साल तक यहाँ पर शोध किए लेकिन आज तक कोई इसका रहस्य सुलझा नहीं सका है। इस जगह की पहली रहस्यमय घटना सन 1940 के दशक में घटी थी, जब इस जगह के ऊपर उड़ रहे एक विमान के पायलट ने इस जगह में उड़ने के दौरान अपने साथ होने वाले अजीबोगरीब अनुभवों के बारे में पूरी दुनिया को बताया था। उस पायलट ने यह बताया कि उस वक्त उसके विमान के उपकरण उसके नियंत्रण से बाहर होकर विचित्र तरीके से व्यवहार कर रहे थे और उसके विमान ने किसी भी प्रकार का सिग्नल भेजना और रिसीव करना बंद कर दिया था और फिर उस विमान का इंजन भी अचानक बंद हो गया और बाद में किसी तरह उसने अपनी जान बचाई। दूसरी घटना घटी ठीक 30 साल के बाद सन 1970 में, जब अमेरिकी और मेक्सिको की वायुसेना साथ मिलकर सैन्य अभ्यास कर रही थी और उन्होंने रेगिस्तान में उस जमाने की सबसे आधुनिक मिसाइल छोड़ी, लेकिन जैसे ही वह मिसाइल इस क्षेत्र के ऊपर पहुंची, अचानक उसके सभी उपकरणों ने काम करना बंद कर दिया और वो किसी टूटे हुए पेड़ के पत्ते की तरह सीधे जमीन में जा गिरी। और सबसे बड़ी बात यह हुई कि वह मिसाइल फटी ही नहीं। वैज्ञानिक इतने ज्यादा हैरान हो गए कि कोबाल्ट 57 रेडियो एक्टिव रसायन से भरी हुई इतनी घातक मिसाइल कैसे नाकाम हो गई। दुर्घटना के कारणों को जानने के लिए अमेरिका वायुसेना ने मैक्सिको की सरकार से अनुरोध किया तो मैक्सिकन गवर्नमेंट ने अमेरिकी वायुसेना के अधिकारियों को उस इलाके की छानबीन और शोध करने की अनुमति प्रदान की। वैज्ञानिकों ने अपने शोध में यह पता लगाया कि वहां किसी भी प्रकार का कोई सिग्नल, चाहे वो रेडियो एक्टिव हो या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, काम नहीं कर सकता। पूरे ब्रह्मांड में ऐसी कोई जगह नहीं है जहां ऐसी घटना संभव हो सके, यहां तक कि ऐसा अंतरिक्ष में भी नहीं होता है। और तब इस रहस्यमयी जगह का नाम वैज्ञानिकों ने रखा द डार्क जोन। इस जगह पर सैकड़ों सालों से उल्का पिंड भी गिरते रहे हैं और 1970 की घटना के बाद से मैक्सिको की सरकार ने वहां कई सारे शोध भवन बनवाए हैं जो वहां होने वाली हर असामान्य घटना पर अपनी पैनी नजर रखे हुए हैं। जानकार बताते हैं कि वहां की सरकार आज तक कभी इस जगह का पूरा सत्य किसी को नहीं बताती है। कई लोगों का मानना है कि वहां शोध करने वाले वैज्ञानिक जिन तथ्यों पर वास्तव में शोध कर रहे हैं उसके बारे में बाकी दुनिया को कोई अंदाजा तक नहीं है। उनके इस अनुमान के पीछे कुछ वजह भी हैं, जैसे वहां पर विचित्र प्रकाश से घिरी हुई वस्तुओं का प्रकट होना और उड़न तश्तरियों का भी दिखना। वहां के स्थानीय लोगों का पक्का विश्वास है कि यह जगह दूसरी दुनिया के परग्रही एलियंस के आने जाने का द्वार भी है। वहां खेतों में काम करने वाले लोगों ने उन विचित्र रोशनियों और अजीबोगरीब लोगों को देखा है।
जिनके बारे में कहा जाता है कि वह ऊपर आसमान से आए हैं। वास्तव में वहां के किसानों ने तीन सर और सुनहरे बाल वाले अजनबियों को देखा है, और जब भी उनके विमान उनके खेतों में उतरते हैं तो उनकी फसलें जलकर काली हो जाती हैं। इस स्थान का एक दिलचस्प पहलू यह भी है कि यह जगह मिस्र के पिरामिड और बरमुडा ट्रायंगल के एकदम पैरेलल आती है। आधिकारिक रूप से इस स्थान पर परग्रही गतिविधियों का कोई प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन यहाँ के स्थानीय लोग ना समझ आने वाली कई असाधारण घटनाओं के गवाह हैं। हालांकि यह जगह बरमुडा ट्रायंगल तो नहीं है, क्योंकि यहाँ चीजें गायब नहीं हो रही हैं, लेकिन 50 साल से लगातार विज्ञानों की उपस्थिति इस बात का सबूत है कि यहाँ सब कुछ नॉर्मल तो नहीं है। वैसे भी डार्क जोन में कई राज दफन हैं, और जहां एलियंस भी जुड़े हों तो लोग उस जगह से दूर रहना ही बेहतर समझते हैं। प्राचीन मिस्र मानव इतिहास की सबसे रहस्यमय और अनसुलझी सभ्यता है। यह सभ्यता अपने पीछे ऐसे इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी का प्रमाण छोड़ कर गई है जो उस समय एकदम असाधारण बात थी। आज के समय में भी हम आज भी प्राचीन समय के द्वारा किए गए काम से हैरान और स्तब्ध हैं, और आज भी हम अपने आप से पूछते हैं कि कैसे उन्होंने इतनी मुश्किल चीज का निर्माण किया होगा। आज का आधुनिक विज्ञान भी इनकी कुछ उपलब्धियों को समझा नहीं सका है, जिसमें से खुद है पिरामिड का इतना परफेक्ट बनना। इनका विकास इतना ज्यादा असामान्य है कि कुछ लोग यह मानते हैं कि हो सकता है प्राचीन मिस्र एक ऐसा स्थान था जहां प्रगही जीवन आता था। कई ऐसे फिजिकल एविडेंस मिले हैं जिससे यह साबित होता है कि प्राचीन समय में एलियंस वहां आते थे, पर इन सब सबूतों को सरकार द्वारा पूरी तरह से छुपा दिया गया है। पर कुछ ऐसे सबूत हैं जो कि सरकार चाहकर भी नहीं छुपा सकी, और यही सबूत साबित करते हैं कि एलियंस का भी हिस्सा था प्राचीन मिस्र के इतिहास में। चलिए बात शुरू करते हैं पिरामिड से। इनकी अद्भुत संरचना मांगती है एक ऐसा असाधारण कौशल, और तब भी प्राचीन मिस्र के लोगों ने एक नहीं बल्कि कई सारे पिरामिड्स का निर्माण किया, और इनमें फराओं के शवों को दफनाया जाता था। इन पिरामिडों को बनाने के लिए करोड़ों तराशे हुए पत्थरों की जरूरत थी, और हर एक पत्थर सैकड़ों किलो के थे। जानकारों के अनुसार सिर्फ एक पत्थर का वजन 400 किलो होता था, और उसे उठाने के लिए 10 लोगों की मदद लगती थी। अगर इस हिसाब से देखा जाए तो मनुष्य के द्वारा पिरामिड्स बनाना तो असंभव है। एक दफा मान भी लें कि सभी मजदूरों के पास सुपरमैन की ताकत थी, तब भी वह असंभव है कि पिरामिडों का सटीक तरीके से बनना। यह पत्थर इतना अच्छी तरीके से काटे गए हैं कि लगता है मानो इन्हें आज की आधुनिक कंप्यूटर मशीन्स के द्वारा काटा गया हो। सबसे अनोखी बात यह भी है कि पिरामिड का सर्कमफ्रेंस और उसकी हाइट का अनुपात यानी कि रेशियो 1:pi के बराबर है, यानी कि 3.14 है, और यह असंभव है कि उन्होंने इसे बिना किसी एडवांस एलियन टेक्नोलॉजी के बिना बनाया हो। प्राचीन मिस्रवासी अपने पीछे ढेर सारे दीवारों पर चित्र बनाकर उस दौर को दर्शाते हुए छोड़ गए हैं, जिसको ऐतिहासिक तौर पर बहुत वैल्यू दी जाती है। इन चित्रों ने पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया है। एक ऐसा ही चित्र दीवारों पर मिला है जिसमें साफ साफ दिखा जा सकता है कि मिस्रवासियों के पास बिजली थी। इस चित्र में लोगों ने अपने हाथ में एक बिजली के लैंप जैसी चीज ले रखी है। इस चित्र ने बहुत बड़ा सवाल पैदा कर दिया है, आखिर
यह बिजली का लैंप उनके पास कैसे आया? क्या यह प्रमाण नहीं है कि एलियंस ने धरती पर आकर प्राचीन मिस्र वासियों को पिरामिड्स बनाने में मदद करी? अगर आपको लगता है कि बिजली का लैंप का चित्र अकेली रहस्यमय चीज है तो आप गलत हैं। इससे भी बड़ी रहस्यमय पेंटिंग पाई गई है जहां अब आम नागरिकों को सरकार नहीं जाने देती। इस चित्र में हम साफ साफ देख सकते हैं कि यह हमारे आज के आधुनिक हेलीकॉप्टर और प्लेन्स की तस्वीरें जैसी हैं। यह प्राचीन मिस्र की सभ्यता पर और भी हजारों सवाल खड़े करती हैं। यह तो साफ है कि धरती पर किसी भी सभ्यता ने इस चीज का आविष्कार नहीं किया, तो आखिर यह चीजें आई कहां से जिनको प्राचीन मिस्र वासियों ने दीवार पर चित्र के माध्यम से उकेरा? अब एलियंस की दस्तक का प्रमाण पुख्ता करता है प्राचीन मिस्र के सिक्के, जिसमें आप साफ साफ एलियन का चित्र बना हुआ देख सकते हैं। हमें पता है कि किसी महान व्यक्ति या कहे राजा का चित्र ही प्राचीन समय में सिक्कों पर उकेरा जाता था। तो क्या इतना सब सबूत नहीं कि एलियंस का बहुत बड़ा हाथ था पिरामिड्स और प्राचीन मिस्र वासियों की जिंदगी में? आखिर क्यों सरकारें इन पर खुलकर बातें नहीं करती? आखिर क्यों अब इन सभी चित्रों वाली जगहों पर आम आदमी का जाना मना कर दिया गया है? यह सब बातें एक ही तरफ इशारा करती हैं, वह है एलियंस के अस्तित्व का होना, और क्या पता हमारी सरकारें भी अब इनके संपर्क में हो। दोस्तों, आपके इसके बारे में क्या विचार हैं? कृपया कमेंट सेक्शन में जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आशा करता हूं कि मैं आपको अपने अगले भाग में भी देखूंगा। तब तक के लिए नमस्कार।